हूँ आपके साथ जानवी। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो देश की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और वायरस का सबसे ज्यादा असर मुंबई में ही देखने को मिला है। आइए आपको बताते हैं, खतरनाक रूप लेते जा रहे कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में इस वायरस का संक्रमण सबसे तेजी से फैल रहा है। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 89 पहुंच गई है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के साथ ही यहां धारा 144 लागू हो चुकी है। आइए देखते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में किन वजहों से कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई 26,357 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। ये आंकड़ा दिल्ली जैसे दूसरे मेट्रो शहर से कहीं ज्यादा है। यहाँ की आबादी 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त उपनगरीय रेलवे नेटवर्क है। मुंबई उपनगरीय इलाके में चलने वाली लोकल ट्रेन में प्रतिदिन 75 लाख से ज्यादा पैसेंजर सफर करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ट्रेनें अपनी क्षमता से 3 गुना ज्यादा भरी रहती हैं। वहीं जापान में टोक्यो मेट्रो अपनी क्षमता से 2 गुना सवारियों को ढोता है। इसी वजह से सरकार को मुंबई लोकल ट्रेनों पर 31 मार्च तक रोक लगाना ही पड़ा। महाराष्ट्र में विदेश से आने के लिए कई सारे अंतर्राष्ट्रीय गेट में है। यहाँ कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें मुंबई, पुणे, नागपुर, श्रीनी और औरंगाबाद एयरपोर्ट शामिल हैं। अगर आंकड़ों में देखा जाए तो इन सभी का पैसेंजर ट्रैफिक दिल्ली से कम है। 2019 में मुंबई में 1.3 करोड़ इंटरनेशनल पैसेंजर्स आए, जबकि पुणे में ये आंकड़ा 1.2 करोड़ के आसपास रहा। वहीं श्रीनी में 1 महीने में 50,000 यात्री, नागपुर में 10 लाख अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स की क्षमता है, जबकि औरंगाबाद प्रति घंटे 150 इंटरनेशनल पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है। वहीं दिल्ली में ये आंकड़ा 2 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स सालाना का है। मुंबई के साथ ही भारत में आकर काम करने वाले विदेशियों की भी पसंदीदा जगह है। मुख्य वजह ग्लोबल औसत से अधिक पैसे का मिलना है। अगर तुलना करें तो मुंबई में काम कर रहा विदेशी 2,17,165 डॉलर की कमाई कर लेगा, जबकि वैश्विक औसत 99,903 डॉलर है। वहीं सैन फ्रांसिस्को और लंदन में कमाई क्रमशः 207, 227 डॉलर और 107 और 863 डॉलर है। केवल मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे में भी बड़ी संख्या में विदेशी बसे हुए हैं। इसके साथ ही मुंबई में भारत की भी बड़ी आबादी बसी हुई है। यहाँ काम और रोजगार के लिए बड़ी तादाद में बाहर से लोग आते रहते हैं। इन सब की वजह से मुंबई में रिस्क फैक्टर में इजाफा हो जाता है, जहां 2 मौतें पहले ही हो चुकी हैं। तो आज के लिए बस